सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ईद उल अज़हा कुर्बानी की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी खुद आप कह लें कि इंसान की तारीख। तारीख में पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने पेश की थी। अच्छा, एक बेटे की कुर्बानी मुस्तरद जबकि दूसरे की बारगाह इलाही में कबूल हो गई। फिर मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं ये अमल अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करने वाले हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीखी कुर्बानी की यादगार है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया गया और उन्होंने लख्ते घर से मशवरा किया तो फरमा बदार बेटा फौरन ही राह हक में कुर्बान होने को तैयार हो गया। अच्छा, ये दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कड़ा इम्तिहान था जिसमें वो शैतान की हज़ार कोशिश के बावजूद कामयाब हो गए, क्योंकि शैतान तो चाहता था कि वो कामयाब ना हो सकें, लेकिन वो कामयाब हो गए क्योंकि अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत की उन्होंने। उन्होंने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लिटाया मगर इस्माईल अलैहिस्सलाम के बजाय जन्नत का मेंढा उनके हाथों कुर्बान हो गया और उसके बाद रब्बे ताला ने उन्हें अपना खलील यानी गहरा दोस्त बनाने का ऐलान किया। अच्छा, ये मंज़र मेरे ख्याल से पहली बार ही आसमानों ने, जहान ने, ज़मीन ने, पूरी कायनात ने देखा होगा कि एक शफीक बूढ़ा बाप अपने हाथों अपने लखते जिगर को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहा था और बेटा भी अपने परवरदिगार के नाम पर कटने के लिए गर्दन पेश कर रहा था। बाप बेटे का ये जज्बा अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस यादगार को ज़िंदा रखा। अच्छा, अब जानवर जो ज़बह किए जाते हैं, जानवर ज़बह करने का मकसद तकवा, अतात, फरमाबरदारी और अल्लाह ताला की रज़ा का हुसूल है। कुर्बानी का दूसरा अहम मकसद क्या है कि अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना। और सोचिए, अगर ये मकसद ही ना हो या किसी कोताही की वजह से ये हासिल ना हो सके तो हमारी कुर्बानी अल्लाह ताला के नज़दीक रायगा है। कल बड़ी ईद और इस ईद पर हमारा मकसद भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए कि ये ईद जिस सूरत हाल में आ रही है वो ऐसी है कि बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हर साल बड़े अहतमाम से कुर्बानी किया करते थे, आज वो हालात की वजह से, सूरत हाल की वजह से तीन वक्त के खाने को भी तरस रहे हैं। अब इस बड़ी ईद पर बाहसियत मुसलमान हम पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हैं, उनको कैसे निभाना है और कुर्बानी के साथ साथ एहतियात कैसे करनी, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस के हालात हैं, डॉक्टर्स बार बार आपको मशवरे देते हैं। इस तमाम पर बात करने के लिए, इन सवालात की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, वैसे तो ईद कुर्बान मनाने का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है, लेकिन इस ईद पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि वो लोग जो कुर्बानी किया करते थे इस वक्त उनके पास फसलों के पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके घर खाने को तीन वक्त की रोटी नहीं है। अब ऐसे में अगर वो कुर्बानी नहीं कर पाते तो लोगों को प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इस्लाम की रोशनी में हम क्या सीख सकते हैं कि ऐसे हालात में क्या कुर्बानी उन पर फ़र्ज़ है या हम कह सकते हैं कि नहीं है, और अगर नहीं तो क्या फिर जब हालात ठीक हो गए उनको दोबारा कुर्बानी करनी होगी, प्लीज़ ज़रा समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं आपके इंट्रो की तारीफ़ करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपने माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत अच्छा इंट्रो पेश किया और मैं आपकी इजाज़त से उसमें थोड़ा सा ये इजाफा करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इन वालिद और बेटे, बाप पैगंबर बेटा पैगंबर, अंदाज़ा लगाइए कि इनके दरमियान में कैसा हसीन, कैसा खूबसूरत, कितना आला और उम्दा मुकालमा और गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुर्बानी की ये अदा और बाप बेटे का इस्लाम अकीदे और अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान हो जाने,
का ये जज्बा इतना भा रहा है कि अल्लाह ने बाप बेटे पैगंबरों का इस खानवादा और फैमिली ऑफ द पैगंबर्स इनका बाकायदा ये मुकालमा कुरान में नकल किया और बड़ा हसीन, या अबत फाल मा तो उमर, ए अबू जान जो कुछ आपको हुक्म दिया गया कर गुजरिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। ये इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, आगे अल्लाह फरमा रहे हैं नक्शा क्या खींचा जा रहा है, क्या खूबसूरत और उम्दा मंजर कशी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, जब ये दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए, इनका कंसेंसस हो गया, बाप ज़बह करने के लिए तैयार, बेटा ज़बह होने के लिए तैयार, जबीने नियाज को झुका दिया। ये तो किसी को पता नहीं कि बाद में जन्नत का मेढ़ा निकल आएगा, जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया, लेकिन ये तो इस आला दर्जे की कुर्बानी। फिर आप ये भी बैकग्राउंड के अंदर रखें, सालहा साल की दुआएं थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, या अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे, इस्माईल अलैहिस्सलाम 30 साल दुआओं का समरा और नतीजा, कब्जाए दिल है, समरा था फुआ, दिल का टुकड़ा, जिगर गोशा, जिसको जिगर गोशा कहा गया। अच्छा, अब वो लेट गए, फलम्मा असलमा वतल्लाउल जबीन, जिस वक़्त उन्होंने अपनी जबीन को, अपनी गर्दन को सरे तस्लीम खम कर दिया, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं वना दैना हुआ या इब्राहिम कद सद्दक्तर रुया, हम पुकार उठे, हमने पुकार दिया, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने पुकार दिया, ए इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर हमने इस तरीके को बाद वाले लोगों के लिए भी जारी और सारी रखा। ये है कुर्बानी की रूह और फलसफा। पता चला अकीदा, अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म, खुदा का नजरिया, ये वो चीज़ होती है जिस पर औलाद को कुर्बान करना पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, किसी किस्म की माल दौलत इज्जत शोहरत औलाद अपनी जान अपने नफ्स की कुर्बानी देनी पड़े, कभी उससे दरेग न किया जाए। तो असल बात यह कि कल जब हम जानवर को ज़बह करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने ये बेटे ये बेटियां दी थी, इनको ज़बह करने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी ज़बह नहीं होने दिया, लेकिन अल्लाह ने जज्बा जरूर तलब किया है, तकवा जरूर तलब किया है, जज्बा तुम्हारे अंदर यही होना चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कहीं कुर्बानी का ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं, जज्बे के हवाले से मेरे जहन में एक बड़ा अहम सवाल है कि जब हम जानवर को पूरा साल जब पालते नहीं है और ईद से एक या दो दिन पहले जाके मवेशी मंडी से जानवर को लेकर आते हैं, तो हमारी उसके साथ क्या अटैचमेंट हो सकती है, इमोशनली हम उस जानवर के साथ कितने अटैच होंगे, ये सवाल है जो मैं अक्सर आलम दीन जब मेरी किसी से बात होती है मैं पूछने की कोशिश करती हूँ, आपकी भी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे भी रहनुमाई लूंगी। लेकिन पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की तरफ मुझे जाना, डॉक्टर साहब ईद पर एहतियात अब कैसे की जानी चाहिए, मुझे याद है कि ईद उल फितर पे भी तमाम डॉक्टर्स आप भी आते रहे टीवी चैनल्स पर, आप तमाम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि कोरोना की सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो तमाम लोग अपने आप को जरा तरीके से लेकर चलें। लेकिन अभी ईद पर भी मेरा ये ख्याल है कि बहुत से लोग जिन्होंने पहले भी एहतियात नहीं की थी अब भी वो एहतियात नहीं करेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज? डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इज्जत बख्शी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को ये इज्जत बख्शी। एक तो मैं मतलब आपने इतना अच्छा कहा, फिर हजरत साहब ने इतनी अच्छी बातें की, तो मैं भी एक कमिटमेंट और कन्विक्शन के लिए मतलब एक बहुत मशहूर हमारे लिए जमाना ताबिलमी से ताबिलमी मतलब स्कूल से हम सुनते आए हैं कि ये फैजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब दी आशे के अंदर और हमारे अंदर जो रहने कन्विक्शन कमिटमेंट और आदाब और ये सारी चीज़ें हैं, मजहब की परवरदिगार का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हम लोग उसको मानने वाले हैं और उसकी सारी तालीमात पे अमल करते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे के अंदर भी ये अहकाम आते हैं कि जो चीज़ें हमें कही जाएं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक चीज़ें हों, जो मुआशरे और सोसाइटी के मुताबिक चीज़ें हों, हमें उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और हजरत साहब मुझसे यकीनन इत्तफाक करेंगे या कम अज़ कम इख्तलाफ तो नहीं करेंगे कि हमें मुआशरे के अंदर जो वबाई अमराज, और हम लोग अक्सर मतलब अब सब लोग ही जानते हैं कि नबी अकरम ने क्या फरमाया कि जब भी कोई ऐसी वबा फैले वहाँ से निकलना नहीं और वहाँ पे आपने जाना नहीं। तो हैविंग सेड कि ये जो हमारी अल्लाह अल्लाह के रसूल और ईद कुर्बान के बारे में और फिर नबी अकरम के फरमुदात और उनकी रोशनी के बारे में जो समझते हैं, तो ये आपने दुरुस्त कहा कि आके, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए डॉक्टर साहब ये नहीं है कि ईद कुर्बान या बकर मंडी या इन मंडियों के अंदर जाके लोगों ने जो एस ओ पी जो कह गए हुकूमत की तरफ से, मेरी मतलब एक नाकस राय के अंदर जो कि ज़्यादा होगी
कि हुकूमत ने सिर्फ अपना कागजी तौर पे फर्ज पूरा कर दिया कि देखे जी हमने अवाम को कह दिया, अब अवाम ही ऐसी है जो कि अमल नहीं करती। तो ये एक मतलब एक लाओ वाली किस्म का एक बयान अपनी उन्होंने हैसियत से जान छुड़वा ली। वेयर एज आप जानती हैं कराची के अंदर जाके बाजारों के अंदर जो आपने मुशाहिदा किया, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, मैं लाहौर शहर से हूँ तो लाहौर के अंदर अनार करी गुलबर्ग और हम समझते हैं लोग ही बड़े समझदार हैं, एक तो हमने तफरीक पैदा कर दी, एक वो लोग जो समझदार और बड़े उलझे हुए हैं और दूसरा हम समझते हैं जी इलिटरेट, हमने एक लफ्ज़ यूज कर दिया सब के लिए और फिक्स कर दिया। लेकिन उसके अंदर हमने देखा कि खुदा शाहिद है कि इन दोनों तबकात के अंदर कतई तौर पर कोई फर्क नहीं था, वो भले लिटरेट थे या इलिटरेट थे, सो कॉल्ड मेरे नज़दीक ऐसा कतई तौर पर नहीं है। मत सोचिए कि मैं इसको तफरीक करता हूँ, मैं उनमें से जो समझता हूँ कि लोग मवेशी मंडी में मौजूद होंगे और अब कल ईद है तो ईद से एक दिन पहले अगर आप जानवर को लेकर आएंगे तो आपकी क्या उसके साथ अटैचमेंट होगी, इस हवाले से जरा बताएंगे कि क्या जानवर को हमें छोटा सा जानवर लेकर पालना चाहिए एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले वो हमारे घर आ जाए ताकि हमारे उसके साथ थोड़ी सी इमोशनल अटैचमेंट हो, ताकि जब उसको ज़बह करें तो हमें लिटरली महसूस हो कि कोई अपना है जो हमें छोड़कर जा रहा है, हमारे सामने उसकी गर्दन पर छुरी चल रही है तो ये जा रहा है ताकि पता चले कि ईद उल अज़हा का पैगाम क्या है। एक तो ये और दूसरा मैं जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि जी वो एक बड़ा एक नुमाइश का आंसर हम देखते हैं कि जब भी ईद उल अज़हा आती है हर कोई ये मुकाबला कर रहा होता है कि मेरा जानवर बड़ा, मेरा जानवर महंगा तरीन है और मतलब 20-25 लाख से लेकर करोड़ों तक के जानवर खरीदे जाते हैं और बाकायदा नुमाइश की जाती है। अब तो सोशल मीडिया आ गया कि फेसबुक पर तस्वीर, ट्विटर पर तस्वीर, तो इसको आप नुमाइश कहेंगे या क्या कहेंगे? दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि आपने सही कहा कि जानवर का असल हक यह है, तरीकाकार यह है, हम घर में लाएं, उसको पालें और उसको मोटा करें, फरबा होना चाहिए, मजबूत जानवर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हम उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, हम उसको खिलाएं पिलाएं, ये सारी की सारी बातें हैं और ये अहादीस के अंदर मौजूद हैं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका यही थी कि जानवर को लाया जाता, घर में रखा जाता, खुद चारा खिलाते, खिदमत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के ज़बह करने के वक़्त में बाकायदा हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को घर की ख़वातीन और बच्चों को बुलाया करते थे और करीब के अंदर खड़ा किया करते थे और फरमाया करते थे कि इसके बाल, इसके सींग, इसके जिस्म, इसके पार्ट, एक एक जुज़ के बदले में इतनी इतनी नेकियां मिलेंगी। लेकिन देखिए शरीयत के अहकाम दो तरह के होते हैं, बाज़ अहकाम होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, फर्ज, वाजिब, लाजमी, शरई, जरूरी होते हैं, बाज़ होते हैं जो मुस्तहब है। ये जो आपने बात की है जिसकी मैं तरगीब दे रहा हूं ये मुस्तहब है, अफजल है, बेहतर है, औला है, लेकिन ये फर्ज और वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी रात को कुर्बानी का जानवर खरीद करके ले आया, कल को ज़बह कर दे, कुर्बानी उसकी फिर भी हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तहब अमल है, अच्छा यही है। लेकिन आपको साथ साथ एक बात और भी मालूम है, आजकल के दौर के अंदर तो सूरत कि कोरोना की वजह से हमने नमाजों में, फर्जों के अंदर, हज के जैसे अहम तरीन फरीजे के अंदर भी अगर कमी और कट किया है तो ये अगर मुस्तहब वगैरह मामला छूट जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मुआखजा नहीं, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। दूसरी बात आपने नुमाइश से मुतालिक की है, ये बड़ी अहम बात है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के अंदर ये जो रियाकारी, दिखावा, गलियों के अंदर घुमाना, बच्चों को जमा करना, टेंट लगाना और फिर बाकायदा तफाखुर का इजहार करना, ये इंसान के कुर्बानी के अमल को ज़ाय देने वाली बात है। ना तो इसराफ और फजूल खर्ची होनी चाहिए, ना ही रियाकारी, दिखावा और नुमाइश। मैं आपको आज के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और बड़ी खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज़। वो क्या जी? आज मुझे पता चला, यानी इस दफा मुझे पता चला, कराची के अंदर रेंट पर भी जानवर दस्तियाब हैं। रेंट पर अच्छा मोटा ताजा ताकतवर जानवर लाखों वाला आप लेकर आ जाए, ज़बह करने का इरादा नहीं है, घर के बाहर बांधा जाएगा, यौमिया 4,000 रुपए किराया, 3,000 रुपए किराया और ईद से एक दिन पहले ईद वाली रात को वो मालिक अपना जानवर लेकर के चला जाएगा। गली वालों को दिखाना है रेंट पर जानवर दस्तयाब है कि यानी ये नुमाइश के लिए या लोगों को दिखाने के लिए आप ले जाएं, 4,000 उसका किराया दें, कुर्बानी की नियत से आप नहीं लेकर जा रहे, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं लेकर जा रहे जी। ये नुमाइश, ये दिखावा इस हद तक पहुंच गया, हम दिखावे, रियाकारी, नुमाइश और लोगों के अंदर तफाखुर, गुरूर, तकब्बुर का इजहार करने के लिए
अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ दे देना आज हमारे प्रोग्राम में कि अगर ऐसी ऐसी किसी दुकान का आपको पता है, आप आलम दीन है और माशाल्लाह आपकी बड़ी पहचान है, अगर ऐसी किसी दुकान का पता है जो रेंट पर इस तरह के जानवर लोगों को दे रहे हैं, तो फिर इस तरह के दुकानदार को तो सजा भी होनी चाहिए और ऐसे उसके बारे में इसके खिलाफ कोई फतवा भी आना चाहिए आप लोगों की जानिब से। वो कुर्बानी ही नहीं कर रहे, हराम काम है, मैं फतवा दे रहा हूँ, नाजायज है, दिखावे का आला दर्जा है, नुमाइश है, नुमाइश के अलावा कुछ नहीं है। एक दिन पहले जानवर को वापस ले जाया जाएगा, एक हफ्ते तक घर के बाहर मैंने आंगन के अंदर गेट के बाहर खड़ा बांधा रखा, उसका मैं रेंट लेकर के चार्ज कर रहा हूँ। लेने वाला हराम, देने वाला हराम, दोनों नाजायज काम कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, समाज किस हद तक पहुँच गया है, सोसाइटी किस हद तक पहुँच गई है, क्या अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? एक तो ये है कि आप जानवर को ले आए, आपने जबाही करना है और आपकी नीयत सही है, लोगों ने देख लिया, डजंट मैटर, कोई अरज नहीं, लेकिन बाकायदा रेंट पर जानवर दस्तियाब, एक नहीं तीन जगहों से मुझे ये बात पता चली है। और कितने अफसोस का मकाम है, कितने दुख का मकाम है, कितने गम का मकाम है। अब वो अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला की तिरमिज़ी के अंदर एक रिवायत है, जो मैं इस सवाल को ये भी सुलझाना चाहूंगी कि मुफ्ती साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे यहाँ कानून भी है, अगर आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आप ये फतवा भी दे रहे हैं कि बिल्कुल ये चीज़ नाजायज है, गलत है, हराम है काम, तो मुझे बता दें कि फिर ऐसे जो तीन लोग आप बता रहे हैं कि आप जानते हैं, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून के तहत इनको सजा भी हो सकती है? ईद उल अज़हा को ये बिजनेस समझ रहे हैं, इनको सजा हो सकती है? बिल्कुल सजा होनी चाहिए, ताज़ीरी सजा होनी चाहिए। जो हमारी मुकन्निना है, जो हमारी अदलिया है, इस तरह के अमल करने वाले को वो सजा भी दे सकते हैं और देना चाहिए, ताकि हौसला शिकनी हो। अगर कोई इस तरह की भरमबाजी कर रहा है तो माशरे के अंदर वो सामने आए। लेकिन ये बात याद रखिए, मैं नहीं बताऊंगा कि हुआ ये, क्योंकि मेरा ये काम नहीं, मीडिया का काम है। लेकिन असल ये है कि जिस रग पर मैं हाथ रखना चाह रहा हूँ वो ये कि हम दिखावे, नामोनमूद में, नुमाइश में जिस हद तक जा रहे हैं, ये हराम तसव्वुर है, नाजायज है, अल्लाह के सामने। चले, आप कह रहे हैं आप जानते हैं उन तीन लोगों को, लेकिन आप बताएंगे नहीं। ठीक है, चले आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, चले आपने ये भी बताया कि ये भी हो रहा है, बड़ी बात है कि मतलब इस तरह हो रहा है, अफसोसनाक बात है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, गिनी तरफ इस पर भी आप कमेंट करना चाहेंगे। मैं आपको एक्सप्रेशन देख रही थी पीछे में, मुझे लग रहा था आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी हैरान हो रहे थे कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। दूसरा ये कि ये गिल जानवर होते हैं, क्या इनकी गंदगी से भी डॉक्टर साहब कोरोना फैलने का खतरा बढ़ेगा? मैं पहले तो ये अर्ज कर दूं डॉक्टर साहब कि ये हैरान होने वाली बात नहीं है, मुआशरे के अंदर ये दिखावा नहीं है, गालिबन मजबूरी हमारे साथ क्या है कि ये सुन्नत इब्राहिम सुन्नत है, फर्ज नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर मैं जानता हूँ बहुत से, हजरत साहब जानते होंगे, आप जानते होंगे कि बेचारों का रोजगार और कोई कुछ ऐसी बात चीज़ें नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ और ट्रस्ट वेट जो मुआशरती हमारे पर, वो प्रेशर्स कह रहे हैं या उसको आप दिखावा कहते हैं, लेकिन हाल पर वो मजबूर क्या होगी उनके तहत आके, इस बात तक मैं 100% इतफाक करता हूँ इस बात से कि ये सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन के जी बाहर बड़ी सी गाय बैल रख के लगा दिया ऑडियो। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मतलब तमाम तरह सदका खैरात हम समझते हैं कि परवरदिगार हिम्मत सब करे। मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को मतलब बहुत क्लोजली मतलब हजरत बिलाल से ये दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला उनको भी मतलब अकीदत के साथ में देखा हूँ। तो ये एक बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर मुआशरती इतिहास के साथ कि जो हम सदका खैरात और बड़े बड़े फ्रिज भरते हैं और चीज़ें रखते हैं, डॉक्टर साहब दिस इज जो कि हमारे साथ अकीदत जो इस ईद कुर्बान के ऊपर है वो ये है कि अपने बहन भाई, और बहन भाई कौन है, हमारे बहन सड़कों में फिरने वाले थी, ये एक संजा कि बहन भाई सिर्फ खून के नाते और उस रिश्ते के अतबार से ही हमारे बहन भाई होंगे। हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से समझते हैं और हम हैसियत मुसलमान ये सब हमारे जो नंगे पाँव बाहर गली के अंदर फिर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको सत्य ख्याल से हटके आए, अपनी खुशियों के अंदर उनको शामिल करें और इसमें खुशी समझें कि हम उनकी खुशियाँ जो देने के साथ हो उनके साथ हम मना रहे हैं। और देखिए आपने भी स्कूल में देखा नबी अकरम का एक बच्चे को देख गरीब था, उसको कपड़े दिए और सारी चीज़ें दी। अब बचपन से स्कूल से लेके हमारे साथ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वजह है कि हम इन तालीमात के ऊपर अमल नहीं कर पाते या नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, व्हाट्स एवर द केस। आशिक के अंदर मैं समझता हूँ से भी जो इकोनॉमिक हमारे फैक्टर्स जो है और जो दिखावा जिसकी हजरत बिल्कुल बजा फरमाया कि दिखावे के साथ जो चीज़ है वो ना सिर्फ नहीं होने चाहिए, हमें कंडेम नहीं करने चाहिए, बल्कि हमने अपने रवैयों के अंदर चीज़ों को तब्दील कर उसके साथ ये ठीक देखना होगा। अब आपका कोरोना के लिए ठीक है जी मुफ्ती साहब,
जी कोरोना के हवाले से जरा जी डॉक्टर साहब जल्दी जी के हवाले से मैं गुजारिश करूं कि अभी दुनिया के अंदर खतरात भी बहुत मौजूद हैं। अभी अगर आप क्लोजली से वॉच करती हूं तो यूरोप में दोबारा सेकंड इसकी बहुत बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब आई वाज क्लोजली वॉचिंग ऑल दैट कि मेलबर्न शहर को अब उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है और मेलबर्न के अंदर उनके कुछ 700 के करीब रोजाना केसेस आ रहे हैं एंड पीपल आर वेरी मच कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट इट कि जो दूसरी इस वक्त जो लहर आएगी जो दूसरा इसका साथ रहेगा कोरोना का, तो खुदा ना करे कि अभी हम खुशकिस्मत हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ मुल्क है ईरान है, ईरान के अंदर जो सूरत हाल हुई आपको मौजूद पता है कि वहां पे क्या हुआ। फिर हमारा दूसरी तरफ मुल्क है इंडिया, इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख शुक्र के हमारे वतन अजीज के अंदर वो कैफियत नहीं हुई जो मतलब यूरोप के अंदर हुआ और मोर ओवर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का खास फजल है हमारे ऊपर, ताकि इस खास फजल को और अल्लाह के इस रहमत को चलें। ठीक है जी, अगर अगर हमारे मुल्क में उस तरह के हालात नहीं हो तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आप हुकूमती जो फैसले हुए इसको लेकर कोरोना को लेकर या जो हमने रास्ता अपनाया उसको मेरे ख्याल से आप लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। अगर मतलब वो सही नहीं किया उन्होंने और डॉक्टर बार बार कहते रहे कि हुकूमत बिल्कुल सही नहीं चल रही है तो फिर हमारे यहाँ भी हालात वो हो सकते थे। चलें जी, मैं अब मुफ्ती साहब की तरफ आना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब, ये जो गली मोहल्लों में कुर्बानी पर पाबंदी हुकूमत के जो फैसले, इस पर आप क्या कहेंगे? अब फैसला तो कर लिया मुफ्ती साहब, लेकिन इसका दूसरा रुख अगर देखा जाए तो क्या कुर्बानी के लिए हुकूमत ऐसी जगह भी फराहम कर सकेगी जहाँ कुर्बानी करने वालों को मुश्किल ना हो सके? दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की मैं उसकी तायद करता हूँ, माशाल्लाह बहुत उम्दा और अच्छी बात की। अलबत्ता मैं एक वजाहत ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुर्बानी दरअसल एक फ़र्ज़ है, जहाँ कहीं उसको सुन्नत कहा गया है, दरअसल सुन्नत से मुराद तरीका है। इसकी दलील ये है कि खुद हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कान लहु सा फलम युज़ाही फला यक़रिबन मुसल्लाना, जिसको हैसियत है, माली हैसियत और इस्तात है, कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके। इस तरह के सख्त अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। लिहाजा अगर कोई माली हैसियत रखता है, जिसका मतलब ये कि आजकल के हिसाब से 56,000 रुपया यानी 52.5 तोला चांदी के बकदर नकद रकम, ज़रूरत से ज़्यादा साजो सामान माल तजारत या इतनी ही रकम मौजूद है, उसके ऊपर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है। बाकी डॉक्टर साहब ने जितनी बात फरमाई बिल्कुल दुरुस्त है, रियाकारी कौंसल ख़त्म होना चाहिए। आपने जो सवाल किया गली मोहल्ले के अंदर हुकूमत ने पाबंदी लगाई, कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर और डॉक्टर हजरात की तदाबीर, और जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं अगर उन तिब्बी तदाबीर की बुनियाद पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो पाकिस्तानी आवाम को उस पाबंदी का एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए हमने पहले से कहा था इज्तमाई कुर्बानियों में हिस्सा लें, वो एनजीओज, वो इदारे, वो ट्रस्ट, वो वेलफेयर इदारे, वो दीनी मदारिस मसाजिद, जहां की इंतजामिया ने इज्तमाई कुर्बानियों का एहतमाम किया है उसमें हिस्सा लें। उसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये दिखावा भी खत्म, नामो नमूद भी खत्म, हर गली मोहल्ले के अंदर कुर्बानी नहीं होगी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साहब मौजूद थे, उनसे रहनुमाई लेने की मैंने कोशिश की और आप लोगों को भी जितना गाइड किया जा सके उन्होंने गाइड किया। अब इस सेगमेंट में बात करूंगी कि मवेशी मंडियों में इस टाइम पे क्या सूरत हाल है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान डिफरेंट शहरों में मौजूद हैं, मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ जी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि कराची से हमें अपडेट करेंगे, फ़याज़ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मोइन ज़ुबैर होंगे और इस्लामाबाद से अफजल जावेद से जानूंगी कि इस्लामाबाद में मंडी जो मवेशी मंडी है वहाँ की क्या सूरत हाल है। फ़याज़ बुखारी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, कराची की सूरत हाल जानना चाहूँगी। खास पे कराची में बारिशों के बाद भी हम देख रहे होंगे कि मंडियों में लोग जो हैं व्यापारी हैं उनको यकीन तौर पे मुश्किलात का सामना भी होगा, इसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा और गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं, खरीदारों का कितना रश देख रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद जो है वो ईद की नमाज़ हो जाएगी, तो उसके लिए जो आखिरी रात है उसमें गहमा गहमी बहुत उरूज पर होती है। पिछले सालों में जो है वो ये रश ज़बरदस्त होता था, लेकिन इस साल थोड़ा कम रश देखने में आ रहा है, क्योंकि जो है वो SOPs को फॉलो करते हुए मंडियां जो है वो उसे बंद करने का भी हुक्मनामा जारी किया गया था, लेकिन रात के इस पहर तक गहमा गहमी कुछ हद तक नज़र आ रही है। लोग जो है वो इस चौराहे पर आके खड़े हो गए हैं और जो उनके जानवर बच गए थे दो दो चार चार, वो जो है वो अब कुछ सस्ते दामों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त भी अच्छी गहमा गहमी नज़र आ रही है। अगर बात की जाए लोगों की तो इस साल जो है वो तकरीबन
6 से 6.5 लाख जानवर जो है वो इस गाय मंडी में आया था और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। और इस वक्त जो है वो कराची में लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो खूबसूरत तरीन जानवर की जाए और सस्ते दामों में मिल जाए तो क्या ही बात है। और आखिरी रातों में जो है वो कुछ हद तक रेट जो है वो कम भी हो जाता है, सस्ते दामों में जानवर भी मिल जाते हैं और व्यापारी की भी यही ख्वाहिश होती है कि आखिरी रात से पहले ही जो है वो। अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा, जरा फ्याज ये बताइएगा, जैसा कि आपने दो बार ये बात दोहराई कि रात ये जो ईद से पहले वाली रात होती है, लोग इसलिए मवेशी मंडियों का रुख करते हैं कि शायद सस्ते दामों उनको जानवर मिल जाएगा, कुकर मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने जानवर बेचकर जाना है, इनकी भी कोशिश होगी कि जितने जानवर ये बेच सके। तो मुझे बताइएगा कि ये लोग तो ये सोचकर वहाँ पे गए हैं शॉपिंग करने के लिए, जानवर खरीदने के लिए कि शायद हमें सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है, सस्ते मिल रहे हैं या कल की तरह ही रेट्स हाई हैं? ठीक है, फ्याज शायद नहीं सुन पा रहे। ठीक है, मोइन आपकी तरफ आना चाहूँगी। लाहौर की अगर मैं सूरत हाल जानना चाहूँ तो लाहौर में जो मवेशी मंडी जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं? साथ ही मोइन ये भी बताएगा कि ये जो ईद उल अज़हा है बाकी जो पिछली ईदें उनसे थोड़ी मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से, तो SOPs का क्या ख्याल रखा जा रहा है, अमल दरामद वहाँ पर किया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहबा, पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि यहाँ पर SOPs का ख्याल किया जा रहा है, उसका जवाब ये है कि SOPs का ख्याल मंडी में लाहौर की इस DN की मंडी में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जितनी मवेशी मंडियाँ लाहौर में लगी हैं कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और अब बात कर ली जाए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी की और रौनकी और रौनकों की, तो इस वक्त लाहौर की जितनी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर लोगों का जो रश है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर ख़ास बात ये देखने को मिली है कि बच्चों को जो हमेशा से रवायत रही है कि लाहौर की जितनी मवेशी मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर बच्चों को ख़ास तौर पर जानवरों की ख़रीदारी के दौरान लाया जाता है, लेकिन इस दौरान वबा की सूरत हाल के दौरान यहाँ पर जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बच्चों को ख़ास तौर पर मवेशी मंडियों में नहीं लेकर आ रहे। अब आपको मवेशी मंडी का जो मंज़र है वो दिखाते हैं, और ख़ास तौर पर जो ये मेरे राइट साइड पे आप बैल देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये कितने मन वजनी है? ये 15 मन इसका वजन है। क्या क्या नाम है इसका? माजू जाट। माजू जाट, वो क्या कहाँ से लाए उसको? बल्लर से है? ये बल्लर गांव उधर से ले गया। तो कितने का बेचना है? 2 लाख का। और कितने दिन हो गए तुम्हें 2 लाख का बेचते हुए? 5 दिन। आज रात इसका कोई प्राइस नहीं दे रहा, कोई कह रहा है 20 ले लो, कोई कह रहा है 30 ले लो। अच्छा मोइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप इनको बोलने दें, आप बस मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो क्या क्या जट नाम रखा है इन्होंने, जरा नाम भी दोहराइएगा नाजरीन के लिए, काफी इंटरेस्टिंग नाम है। और कैमरा मैन से कहेंगे जरा जूम करके हमें दिखाएंगे बैल, हम देखना चाहते हैं इसकी खूबसूरती की 2 लाख का आखिर इसमें क्या है। और आज आखिरी दिन है तो आज भी क्या 2 लाख से नीचे नहीं आएंगे भाई साहब ये? जी, इसका नाम डॉक्टर फिजा जग्गू जट बताया ना? माजू जट। इसका पहले पूरा व्यू दिखाते हैं। माजू जट फ्रेम पर बना के दिखाइएगा, मैं माजू जट नाजरीन को दिखाना चाहती हूं। जी, माजू जट को आप देखें, बड़ा खूबसूरत जानवर है और तगड़ा जानवर है ये माजू जट जो है, खूबसूरत जानवर लग रहा है और बिल्कुल नो डाउट इन इट, काफी अरसे से इसको पाल रहे थे। ठीक है जी, चलें 4 साल से। ठीक है जी मोइन, आपकी तो दोबारा आती हूँ कि टाइम बचेगा, मुझे इस्लामाबाद की सूरत हाल भी जाननी है, वहाँ पर मौजूद हैं। अफजल आपसे जाना चाहूँगी, इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, अगर हम कराची से या लाहौर से कंपैरिजन करें तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते किसी भी सिचुएशन को लेकर, और उसको बड़ा खामोश शहर भी कहा जाता है, बड़ा एक डिसेंट सा वो शहर है। और इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो क्या लाहौरियों की तरह कराची वालों की तरह वहाँ भी लोग जाग रहे हैं, वहाँ पर भी मंडी में रश आप देखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, मैं डॉक्टर साहब आपको, चूँकि इस्लामाबाद जो है परदेसियों का शहर और तातीलात होने के बाद जो मुकामी शहरी हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, क्योंकि कल के रोज़ और आज के रोज़ काफ़ी रश देखने को नज़र आया था, लेकिन इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की मवेशी मंडी की बात करें तो रश आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों के जो उनकी अमाउंट है जानवरों के हवाले से वो काफ़ी दाम ज़्यादा हैं, और जो ख़रीदार हैं वो जो उनका लिमिट अमाउंट है वो उसमें उनकी ख़रीदारी नहीं हो पा रही, इसके बाद बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं वो वापस चले गए, इस तवक्को के साथ वापस गए हैं कि वो कल जब नमाजी ईद के बाद दोबारा इस मवेशी मंडी का रुख करेंगे तो दाम जो है कुछ गिर जाएंगे, तो उनके कुव्वत इस्तेदाद के मुताबिक जो है वो अपनी जो जानवर की कुर्बानी है वो कर सकेंगे। अगर अभी भी मेरे कब में देखें, ये जो जानवर शोला है और इसकी कीमत जो है इस वक्त भी है, रात का वक्त हो चुका है, 3.5 लाख रुपये इसकी कीमत बताई गई है, और जो व्यापारी है वो यही कहें कि 3.5 लाख से एक रुपया भी कम जो है इस शोला जो गाव है इसकी कीमत को किसी सूरत कम नहीं करेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती है कि अगर इस वक्त भी
3 लाख रुपए इसकी कीमत है, तो खरीदार अगले रोज का इंतजार करेंगे ताकि कीमतें कुछ कम हो सकें। जी ठीक है, 6-16 दिखाया और मोइन ने भी एक हमें दिखाए माजू जट अगर मुझे भूल नहीं रहा तो। अच्छा मैं मोइन आपके तो दोबारा आना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने कहा मुझे पहले इस्लामाबाद से अफजल जावेद से पूछने दे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अभी 2 से 3 मिनट है ब्रेक में। मोइन मुझे ये बताइएगा ये जो नाम रखे जाते हैं इनके, शोला हो गया, माजू जट हो गया, जारी बात है ये लोग खुद रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार कोरोना की वजह से बच्चों को नहीं लेकर आए वालिदैन, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आप तमाम वालिदैन की, आप लोगों ने डॉक्टर्स की बातों को भी सुना, एहतियाती तदाबीर में शामिल है क्या बच्चों को मंडियों में नहीं लेके गए, लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जी, ये शोला है, ये माजू है, ये है, वो है। तो आप यहाँ पे एक तो पहले बताइए कि क्या बाकी जो हमें पता चल रहा है रिपोर्टिंग जो आप तमाम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं या बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये बताइएगा। और अगर बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं है तो इन तमाम ये जो जानवर इनको देख के एक्साइटमेंट वहाँ पे कौन शो कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, बच्चे तो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जो व्यापारियों ने ज़बरदस्त किस्म के नाम रखे हैं, तो जो लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हैं वो इन नामों को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। एक ऐसे ही जानवर को अब आपको मैं दिखाने लगा हूँ, ये आप जानवर देखें, आप यकीन करें इसका नाम बड़ा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा जो करंट सिचुएशन है उससे मैच करता है। आपको व्यापारी खुद बताएगा इसका नाम क्या रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है इसका? अर्तुगरुल। अर्तुगरुल? हाँ जी। क्यों रखा है इसका नाम अर्तुगरुल? ये अर्तुगरुल की तरह इसमें अच्छा, बहुत ही अंदाज जज्बात है, जैसे अर्तुगरुल तेज है ये भी बहुत ही तेज है। अच्छा, काफी तेज है। कितने का जानवर रखा है? हलीमा की तरह यहां पे वो भी कहीं पाई जाती है आसपास कहीं। हां जी। तो ये बड़ा सस्ता बेच रहे हो? सस्ता इसमें से भी नहीं बच रहा हमें कुछ भी। अच्छा, हमारी एंकर साहिबा पूछ रही हैं अर्तुगरुल तो आ गया, हलीमा सुल्तान कहाँ है? हलीमा सुल्तान आगे गई, अभी आगे गई है, बेच तो नहीं दी? नहीं नहीं, इसके साथ ही है। वो कितने की, वो कितने की जोड़ी? अगर वो 2 लाख की दोनों जोड़ी दे देंगे। अच्छा, 2 लाख। ठीक है, फयाज आपकी तरफ आना चाहती हूँ जी। फयाज, मोइन ने तो हमें अर्तुगरुल दिखा दी रही है, एक और हलीमा भी कह रही कि अभी यहीं पे थी, हलीमा सुल्तान अभी आगे कहीं गई है, तो आपके पास बताए ना, उन्होंने शोला भी खा दिया हमें, अफजल ने आपने अभी तक हमें कोई नहीं दिखाया वहाँ पे कोई ऐसा जानवर। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो नामों की जो बात होती है, तो ये नाम जो है वो हम जैसे सहाफी हजरत नहीं बताते होते कि आप जो है वो इस बार अर्तुगरुल नाम रख दें, आप जो है वो हलीमा नाम रख। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिखा चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली रिपोर्ट देखी हो तो उसमें मैं बादल से भी मिलवा चुका हूँ, नवाज शरीफ, इमरान खान से भी मिलवा चुका हूँ। तो इस किस्म के नाम जो है वो हम जैसे लोग ही सजेस्ट अच्छा। कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सादा लोग होते हैं, इन लोगों को इतना ड्रामे के बारे में और सियासत के बारे में मालूम नहीं होता। इनका काम होता है ये गाँव से जो है वो जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और प्यार मोहब्बत से खिला के जो है वो ले आते हैं। और इनके नाम जो है वो इसी किस्म के होते हैं कि किसी का नाम बादल रख दिया, किसी का नाम सोना रख दिया, किसी का नाम सोनी रख दिया। वक्त की कमी है, लेकिन दिल चाह रहा है कि आप तमाम लोगों से मवेशी सूरत हाल में जानती चली जाऊं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि नाजरी ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा सेगमेंट को। चले जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से अपने अपने ऑफिस वापस पहुंचे, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, कराची वाले, तीनों नुमाइंदगान। मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक से आने के बाद मैं बात करूँगी कश्मीर के हवाले से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बात कर रहे थे ईद कुर्बान की, और कुर्बानी क्या है आज के दौर में ये मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों से बेहतर और कौन बता सकता है और कौन जान सकता है, जो हर रोज़ अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद आज़ादी के नाम पे कुर्बान कर देते हैं, और जब जब बड़ी ईद आती है तब तब मकबूजा कश्मीर के नहत्ते मासूम कश्मीरियों की याद में इजाफा भी हो जाता है। 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला किया था, जिसको अब 1 साल मुकम्मल होने वाला है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज के हाथों बदतरीन जुल्म के शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का भी ऐलान किया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम। ब्रिगेडियर साहब, मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर भारतीय हमले को अब ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, मतलब कुछ दिन के बाद 1 साल हो जाएगा, क्या भारत मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला करके जो मकसद हासिल करना चाहता था वो हासिल कर पाया? क्या मिला भारत को? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है, बड़ा ब्लंडर किया है, जिसका वो खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं, ना सिर्फ इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में,
बल्कि इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनली ऑल्सो उनको जो ह्यूमिलिएशन हो रही है, जो उन पर उनकी कंडेमनेशन हो रही है, मेरा ख्याल है कि अब वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि उन्होंने ये क्या कदम उठाया। देखिए बात यह है कि 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, आर्टिकल 35A दोनों, तो ये बिल्कुल एक क्लियर वायलेशन है सिमला एग्रीमेंट की और बिल्कुल क्लियर वायलेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं और कश्मीरी आवाम की जो उमंगें हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनके खिलाफ जो है ये बात की गई। अब आप देख लें कि आज तक ये जो मिलिट्री सीज है या जिसको आप ये कहें कि फौजी महासरा, वो सख्त से सख्त तरीन उन्होंने कर दिया। एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है जिसको आप एक इलेक्ट्रॉनिक शटडाउन भी कह सकते हैं। उसके अलावा देखें यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि जनाब वहां पे टॉर्चर, रेप और उसके बाद ये तमाम मुजालिम अभी भी पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि आप उन्होंने जिस आदमी आपने ये वीडियो दिखाई टीयर गैस और ये तो मामूली चीजें हैं, वो जनाब लाइव एमुनिशन से निहत्ते कश्मीरियों पर फायरिंग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी वहां पे हो रही है। तो मेरा ख्याल है बर्बरियत की जिसको कहते ना बदतरीन मिसाल जो है एट्रोसिटीज का, वो वहां पे हो रहा है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने तो कंडेम करना ही करना है, फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो जारी बात है, वो और तेज होगी, उसमें इंटेंसिटी में की इंटेंसिटी बढ़ी है, हमले फ्रीडम फाइटर्स की इंडियन आर्मी में बढ़ गए। तो चाइना जो है वो भी मैदान में उतर आया और चाइना ने भी आर्टिकल 370 और 35A को रिजेक्ट कर दिया। बल्कि यहां मैं एक चीज भूल जाऊं कि वो जो जिसको कहते ना जो उन्होंने वहां पे कश्मीरियों को माइनॉरिटी में चेंज करने की जो कोशिश की है, जो कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर दी है शुरू की, जिसको मैं कहूंगा डेमोक्रेटिक अपार्टाइड, ठीक है ना जी, वो भी हो रहा है। अब दुनिया ये तमाम चीजें जो है वो नोट कर रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में 5 अगस्त जो है ये बिल्कुल सब उस दिन हमें काम छोड़ देना चाहिए, यौम इस्तेसाल मनाना चाहिए। लेकिन इसमें मेरी जो है एक ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि हमारे जो देखे ना मूडी जो है वो अपना काम तो वो करता रहेगा, अपने आप को उसकी पूरी कोशिश होगी कि किस तरह वो अपने वहां पे पंजे जमाए और ये इलीगल ऑक्यूपेशन को उसको कंसोलिडेट कर रहे। लेकिन हमें यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ आगे बढ़ना होगा कि सिर्फ ये काफी नहीं है कि कश्मीर हाईवे को हम श्रीनगर हाईवे में तब्दील कर दें। अच्छी बात है, आपको पता है कि आज से 20-25 साल पहले जब बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी और राजीव गांधी पाकिस्तान आए थे, तो मुझे आज भी याद है कि बकायदा खबर आई थी कि वो कश्मीर हाईवे, शायद यही बोर्ड था जो लगा होता है इस्लामाबाद में या कश्मीर हाउस का बोर्ड, वो रिमूव किया गया था कि जी राजीव गांधी जो है वो नाराज हो जाएंगे, हमको वो बोर्ड जो है वहां से हटा देना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा और ये बड़ी मीनिंगफुल बात की है अपने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि यही रास्ता जो है हमारा श्रीनगर को जाता है। लेकिन इसके अलावा हमारे जो मोहतरम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं जो अमेरिका से हमें एडवाइस करने आए हैं, उनकी एडवाइस तो बड़ी ज़बरदस्त है। जिस किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा आज सोशल मीडिया पे कि वो तो अकाड़े के स्कूल का हेडमास्टर जो है वो भी कह दे बता सकता है कि जनाब आप एक मिनट जो है आप साइलेंस ऑब्जर्व करें। ये भी बात सही है कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे और आज़ाद कश्मीर की असम्बली में खिताब करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि हमें अब ये जो स्टेटस को वाले जो हम बातें करते हैं इसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं और कश्मीरी अवाम भी चाहते हैं। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं चाह रही थी कि आपकी पूरी बात नाजरीन सुने, मैं भी सुनना चाह रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप करें, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बात की। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने आगे बढ़ने की बात की, अब आगे कैसे बढ़ा जाए मुझे बताएं। इमरान खान साहब की नीयत कश्मीर को लेकर यकीन जानिए, बाकी जितने भी पीछे हुकूमतें रही आप भी कहेंगे कि चले हम इमरान खान साहब को 100 में से 100 नंबर नहीं देते, लेकिन बाकियों को जितने देंगे उनसे ज़्यादा ही नंबर ये ले जाएंगे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का किरदार आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर बात करते हैं, कोशिश करने की कोशिश की जाती है। सिफारतकारी के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ से मार खा रहे हैं, हमारी क्या कमजोरी है, कहाँ हमारे फ्लॉज हैं, किसको दुरुस्त करने की जरूरत है, किस तरह दुरुस्त करने की जरूरत है, आगे कैसे बढ़ा जाए? पहली बात तो ये कि हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तान के वहाँ कि जिस आपने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बड़ा तारीखी किरदार है कश्मीर कॉज के लिए जो वो अदा कर रहे हैं, और फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपको पता है एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन और पहले भी फॉरन मिनिस्टर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो वो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमें इससे अब आगे बढ़ना चाहिए।
और आगे बढ़ना चाहिए। देखें ये हमें ये पॉलिसी ऑफ ये जो है ना थोड़ा बहुत हमारे जेन में है कि भाई वो इंडियंस माइंड कर जाएंगे, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी माइंड कर जाएगी, हमें ज़रा उससे आगे बढ़ना चाहिए। नंबर एक तो ये है कि जिस पर मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि भाई ये अब हमें चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन आर्मी के मिलिट्री कमांडर्स, हम आप इनको दुनिया के पास एविडेंस मौजूद है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनको लेके जाएं। वक्त की कमी ब्रिगेडियर साहब, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तजिया बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरी जानिब से ऐसे नहीं चलेगा कि पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को, जितने लोग भी देख रहे हैं बोल न्यूज़, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि कल हफ्ता और फिर इतवार है, हफ्ते इतवार को हमारा प्रोग्राम नहीं होता। इंशाल्लाह ईद का जो तीसरा रोज़ होगा, पीर का प्रोग्राम लाइव आप देखेंगे 10 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।